Hello, guys. शुड विजिट हियर सीरियसली। इस एयरपोर्ट पे आके सीरियसली फील ही नहीं होता है कि मैं इंडिया में हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि मैं इंडिया से बाहर हूँ, ओवरसीज में हूँ, क्योंकि अब तक आज से पहले इंडिया के बाहर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखी थी और ये फर्स्ट टाइम है जो इतना भयंकर बोलूँगी मैं इसको, इतना भयंकर एयरपोर्ट बनाया है। और ये एयरपोर्ट बैंगलोर में है। बैंगलोर फेमस है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ पे इतने डाउन टू अर्थ लोग रहते हैं, इतना पैसा है बैंगलोर के लोगों के पास, इतने सॉफ्ट स्पोकन है, स्पिरिचुअल है, सो इसलिए ये एयरपोर्ट तो बैंगलोर में ही बनना था। और क्योंकि मेरी फ़्लाइट इंडिगो एयरलाइन से है तो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और मैंने अपना वीज़ा टिकट्स एवरीथिंग इनको दिखा दिया। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि मैं बहुत टाइम से आ गई थी। So here I got my boarding pass. Okay. Now after you receive in the airport, there will be a link, feedback link for you. So please do rate us. Okay. Okay. So Bangalore station, it's an NPS promoting. So you should write in the feedback whatever you feel like. I requested him to give me an emergency seat plus window seat. और ये कितना cute था बिचारे ने, मुझे विंडो सीट दे भी दिया। It is changed to 18A. It's an emergency seat. Okay. Just do one thing, rate us, write the feedback. You can take my, if you want, you can take a photo. Okay. Okay. Write my name and just. I got my boarding pass. Let's go to international departure. और ये जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, अब तक मैं इमिग्रेशन में एंटर नहीं हुई हूँ, ये सिर्फ टर्मिनल की वीडियो है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टर्मिनल ही कितना बड़ा बना।
मैं वीडियो बनाते बनाते थक जाऊंगी, बट ये एयरपोर्ट नहीं ख़त्म होगा। तो यहाँ से इंटरनेशनल डिपार्चर से इमिग्रेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। ये जो बंदा है ये आके मुझे बोला यू आर नॉट अलाउड टू मेक वीडियोस। इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर लिया है, देन अब मुझे गेट की तरफ जाना है। और यहाँ से जैसे आप प्रोफाइलिंग एंड आपका स्कैनिंग करके बाहर आते हो तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं गेट। और यहाँ से गेट तक पहुँचने के लिए भी बहुत आपको चलना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये इतना सुंदर बनाया है कि यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। हर कोई, जिसको भी देखो, हर कोई फ़ोन में वीडियोस बना रहा है, फ़ोटोज़ ले रहा है, एयरपोर्ट को कैप्चर कर रहा है। और यहाँ से गेट प्लस ड्यूटी फ्री स्टार्ट होता है। ड्यूटी फ्री के अंदर से क्रॉस करके आपके गेट आएंगे। ये इन्होंने इतनी शार्पली और इतना स्मार्टली बनाया है ताकि लोग जब जा रहे हो तो ये उनको ड्यूटी फ्री चीज़ें इतना अट्रैक्ट करें कि अपने गेट तक पहुँचने से पहले वो कुछ ना कुछ खरीद के जाए। ये वो रास्ता है जो ड्यूटी फ्री से होकर आपके गेट तक पहुँचेगा। हाउ स्मार्ट, नो? बट ये भी लोगों ने बहुत अट्रैक्टिव बनाया है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए A to Z चीज़ें आपको मिलेंगी। हर तरीके की ड्रिंक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ड्यूटी फ्री से होते हुए मैं निकल गई हूँ बाहर, और ये एंट्रेंस एंड एग्ज़िट दोनों ही इतने अट्रैक्टिव तरीके से बनाए हुए हैं। ड्यूटी फ्री, ये ड्यूटी फ्री पोर्शन था जो अब तक मैंने आपको दिखाया है, एंट्रेंस से लेके ड्यूटी फ्री तक। सो यहाँ से क्रॉस करते हुए अब मुझे जाना है अपने गेट की तरफ। ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। अभी एयरपोर्ट ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा गेट अब तक आया भी नहीं है। अभी तो मैं आपको पहले की ही वीडियोज़ दिखा रही हूँ। और गेट पे जाने के लिए दो एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस वॉशरूम की तरफ जाता है, आपको बीच में वॉशरूम पड़ेगा, वॉशरूम क्रॉस करके आप सीधे अपने गेट की तरफ जा सकती हो। बट गेट पे पहुंचने से पहले बहुत कुछ है जो आपको अट्रैक्ट करेगा, जो आपको वीडियोस बनाने से रोक नहीं पाएगा। सो ये एक, इन्होंने दो ब्यूटीफुल एक्वेरियम बना के रखे हुए हैं। इट्स काइंड ऑफ जंगल फॉरेस्ट थीम में बनाया हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट आप देख लीजिए कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से, आई डोंट नो किसने किया है ये लैंडस्केपिंग, इतने सुंदर तरीके से लैंडस्केपिंग का काम किया हुआ है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है नहीं तो मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये नेचुरल वॉइस सुनो, कितना पीस है इसमें। इस एयरपोर्ट की एक एक चीज़ इतनी बारीकी से ध्यान रखकर बनाई हुई है, जिसने भी लैंडस्केपिंग का काम किया है सीरियसली। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इस एयरपोर्ट पे लगी कि यहाँ पे हर जगह बैठने के लिए स्पेस बनाया हुआ है। बहुत सारी चेयर्स, बहुत सारे यू नो सोफ़ाज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे टोटल सिटिंग अरेंजमेंट है 5932। कैन यू इवन इमेजिन? और कुछ सिटिंग एरियाज़ तो प्राइवेट कॉटेज के जैसे बनाए हुए हैं। आप आराम से पीसफुली बैठ के अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने पीसफुली अगर आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो इसके अंदर बैठ के आराम से, ना आपको आवाज़ आएगा ना आपको कोई डिस्टर्ब करेगा। ये ऐसे प्राइवेट कॉटेज बनाए हुए हैं जहाँ पर आप बैठ के आराम से फ़ोन पर बात कर सकते हो, वीडियोज़ एडिट कर सकते। लुक एट सम ग्लिम्प्स। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं गेट्स।
गेट की एंट्री यहाँ से है। इतना घूमने के बाद, 2 घंटे एयरपोर्ट पे घूमने के बाद मैं अपने गेट पे पहुँची हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया ये एयरपोर्ट देख के। और ऐसे ही प्राइवेट काइंड ऑफ कॉटेज के अंदर ही यहाँ ये बेकरी शॉप। मैं ये सारी चीज़ों के छोटी छोटी वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं एक अच्छा सा व्लॉग, ये सब जगह आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिखेगा, आप कहीं पे भी जाओगे सीटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ से अब मुझे जाना है अपने गेट नंबर पे। मेरा गेट नंबर है, मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी कंट्री में जा रही हूँ। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं किस कंट्री में जा रही हूँ, तो आप व्यू इंजॉय कीजिए तब तक। और ये एयरपोर्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, अभी तो बहुत कुछ है जो अभी कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शंस है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। सीरियसली आई कांट इवन बिलीव कितना बड़ा बनने वाला है ये एयरपोर्ट। आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि ये क्या बनने वाला है। और अब यहाँ से गेट्स स्टार्ट हो जाते हैं हर फ्लाइट्स के लिए। मेरी फ़्लाइट में अभी टाइम है, मेरा डिपार्चर है 9:10 का, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए आई हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। अभी 7:10 ही हुए हैं तो मैं अभी वापस जा रही हूँ। मैं जाके बैठूँगी आराम से और अपना ये ब्लॉग एडिट करूँगी क्योंकि बहुत कुछ बोलना है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कुछ बोलूँ। तो अभी मुझे जगह ढूँढना है कि मुझे कहाँ जाके बैठना है। If you like my videos, subscribe my channel and share the video. Stay tuned.